हेलो दीपक केडकर विषय। आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने विचारों के बारे में। एक बार कभी आपने विचार पक्का कर लिया कि मुझे एक आधी चीज चाहिए, मतलब एक बार कमिट हो गए उसके, वचनबद्ध हो गए कि मुझे एक आधी चीज चाहिए, तो पक्की आपको मिल जाए। देखो आपको मन में काफी इच्छा रहती है, मन में ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज की गरज है, जरूरत है, या हम बहुत आशावादी रहते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाएंगे। तो आशावादी रह के मुझे गरज है ये समझ के, या लालच समझ के, या मुझे वो चीज चाहिए करके कुछ चीज मिलती नहीं। आप जब कोई भी विचार मन में पक्का कर लेते हो और वो आपका उद्देश्य, मतलब उद्देश्य पूरा कर लेंगे, मुझे चीज चाहिए नो मैटर व्हाट, कोई भी हालत में कुछ भी हो जाए मुझे चीज चाहिए, ऐसा आपका कमिटमेंट है, आप वचनबद्ध है, तो वो चीज आपको पक्की मिल जाए। ये आप जो हो वो आपके विचार है। देखो हमने पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपको है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अनकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड या अचेतन मन। तो कॉन्शियस माइंड से हम लोगों से बात करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे विचार रहते हैं, थॉट्स, अलग अलग थॉट्स रहते हैं। ज्यादातर ये विचार निगेटिव रहते हैं, मतलब एक दिन में 50,000 से 60,000 थॉट्स दिन भर में अपने मन में आते रहते हैं और वो रैंडमली आते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादातर ये थॉट्स निगेटिव रहते हैं। यदि आप निगेटिव थॉट्स बार बार करते हो तो आपको निगेटिव चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि आपका वो एक ऐसे आपके पास में ऐसा एक सर्कल तैयार हो जाएगा, एक ऐसी स्पेस तैयार हो जाएगी कि जिसमें सब निगेटिव चीजें आपके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। आपके जो थॉट है वो आपको अमीर बना सकते हैं, आपके थॉट्स आपको गरीब बना सकते हैं। यदि आपके मन में ऐसा है कि मैं कमजोर हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं छोटा हूं, मैं नालायक हूं, मैं मूर्ख हूं, तो आप वैसे ही बन जाओ। आपके थॉट्स जो है, आपके विचार जो है, वो आपके तरफ अच्छे लोगों को आकर्षित करेंगे, आपके थॉट्स बुरे लोगों को भी आकर्षित करेंगे। मतलब आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, आपके थॉट्स आपको ऊंचाई पे लेके जाएंगे अपनी जिंदगी के, आपके थॉट्स आपको एकदम नीचा लेवल, एकदम नीचेतम स्तर आपको लेके जाएंगे। तो जो भी आपके थॉट्स है वो सब कुछ है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अच्छा आदमी तो आप अच्छा आदमी है, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो आप जीत जाएंगे, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं हार जाऊंगा तो आप हार जाएंगे, ऐसा आदमी लगता है कि नहीं मुझे सफलता मिलेगी तो आपको सफलता मिलेगी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मैं असफल हो जाऊंगा तो आप असफल हो जाएंगे, तो बोथ वेज दोनों साइड आप बराबर है, आप जीत जाएंगे। कोई भी आप गेम खेल रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं हार जाऊंगा तो आप हार जाएंगे, और वास्तव में तो ऐसा है कि जो भी आप गेम खेलते हैं जिंदगी में ऐसे खिलाड़ी बनते हैं, मतलब बच्चे बड़ा करने का गेम हो, अपना एजुकेशन का गेम हो, बच्चों का एजुकेशन का गेम हो, शिक्षा देने का गेम हो, धंधा चलने का गेम हो, पैसा कमाने का गेम हो, या रिलेशनशिप रिश्ते लोगों के साथ में, पति पत्नी के साथ में, पति के साथ में आपका गेम हो, जो भी आप कर रहे हैं तो हर इसमें आप जीतते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप गेम खेल रहे हो आप जीतने के लिए खेलते हैं। आप पूछेंगे जीते ना, कभी कभी तो हम हार जाते तो हार जाते कोई भी गेम, रिश्तों का गेम हो, पैसे कमाने कोई भी गेम हो, जब आप हार जाते हैं इसका मतलब आप हार जाने का गेम खेल रहे थे, आपके विचार वैसे चल रहे थे। तो आप कौन हो तो आपके विचार, अब ये विचार अपने दिमाग में आते रहते, कंटिन्यूसली आते रहते और वो आप रोक भी नहीं सकते। ऐसा अपने दिमाग में कोई निगेटिव विचार आते तो आप रोक नहीं सकते, मगर एक तो पक्का हो सकता है कि तो आप विचारों को रोक सकते नहीं, मगर अपने को जो बोलना है, जो बोली भाषा है, वो हम सकारात्मक कर सकते हैं, अपनी सोच सकारात्मक कर सकते हैं, मतलब सोच जो है वो तो नहीं कर सकते, मगर बोलना जो है, जो सोच से आता है वो हम सकारात्मक कर सकते हैं। और हम पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव विचार बोलते रहते हैं, क्या क्या संभव है ऐसा बोलते हैं, भविष्य के बारे में क्या निर्माण करना है वो हम बोलते हैं। तो डेफिनेटली जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम विचार करके जो बोलते हैं, बिना विचार करके जो बोलते हैं, मतलब आखिर जो बोलते हैं वैसा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बोलते रहता है।
सबकॉन्शियस माइंड जो है अंदर के जो विचार है वो आपको नेगेटिव मैंने बताया, जैसा कि आप सोचते हैं कि नहीं अभी मैं कल से एक्सरसाइज करना चालू करूंगा, अब कल से मैं कसरत करना या एक्सरसाइज करना या जिम में जाना चालू करूंगा ऐसा आपने बोला, कल आपने सवेरे 6 बजे का अलार्म लगाया है और 6 बजे का अलार्म लगाने के बाद में रात में आप जब सोते हो तो आप पक्का मन में ठान लेते हो कि मैं सवेरे 6 बजे उठ के कसरत करूंगा एक्सरसाइज करूंगा। होता क्या है कि 5:45 बजे या वो अलार्म बजने के जस्ट पहले या अलार्म बजते ही जैसे आपको जाग आ जाती है उस समय अंदर से एक विचार आता है कि आज का दिन रहने दो हम कल से करेंगे या कल से एक्सरसाइज करेंगे, तो विचार जो है वो नहीं रहना। अभी आपने ये पक्का करना है कि मैं कौन हूं, मैं एक मतलब क्या संभव है ये देखने वाला हूं, मैं क्या संभावना मेरी जिंदगी में हो सकती है वो देखने वाला हूं, मैं कौन हूं कि मैं मेरा वचन हूं, मैं मेरा शब्द हूं, तो मैंने ये सोचा हुआ है रात को सोने के समय कि मैंने उठना है, तो विचार कैसा भी हो मुझे उठने का है, तो मैं पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव बोलना या पॉजिटिव शब्द दूंगा ताकि वो जो नेगेटिव थॉट्स है उसके ऊपर वो पॉजिटिव हावी हो जाएंगे और अल्टीमेटली आप जो चाहते वो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो भी है वो आपके विचार है और जो विचार आपके डोमिनेंट विचार है मतलब प्रभावशाली विचार है वो आपकी जिंदगी चलाते रहते। तो ये आपने क्या करना है, जो भी आपको जिंदगी में करना है, जो भी आपको आपको भविष्य का निर्माण करना है वो बोलने का है, वो लोगों के साथ में शेयर करने का है, लोगों के साथ में बातचीत में उनको बोलने का है कि मैं ये करने वाला हूँ, इसका निर्माण करने वाला हूँ, ये बातचीत मतलब हरदम करते रहना है ताकि जो आपने संभावना घोषित की है, जो आपने देखा है कि मुझे भविष्य में मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कौन से ऊंचाई पे जाने वाला हूँ, जब आप ये बार 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 लोगों को बोलेंगे तब आपको लोग पकड़ेंगे, लोग होटल अकाउंट करेंगे और निगेटिव कितने भी विचार आएंगे वो दब जाएंगे, वो बाजू में रहेंगे, वो पीछे रहेंगे और ये पॉजिटिव विचार जो है वो प्रभावशाली होंगे, वो आपको मतलब वो आपकी जिंदगी चलाएंगे। तो अल्टीमेटली जो है आप कौन है तो आपके विचार है, ये विचार जो है हम बदल सकते नहीं है, निगेटिव विचार है तो निगेटिव विचार जो है उसको बाजू में रखते हुए हम कंटिन्यूसली एक सरीखा सतत्य से हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, सकारात्मक बोल सकते हैं और सकारात्मक बोल के ही अपनी जिंदगी चला सकते हैं। तो आप जो सोचेंगे वैसा होगा, जो भी हो रहा है मतलब आपके इमोशंस कोई उसको वैल्यू नहीं, आपको कैसा लगता है उसको कोई वैल्यू नहीं, आपको अंदर से क्या फील हो रहा है उसको कोई वैल्यू नहीं, अल्टीमेटली आपके विचार जो है वो प्रभावशाली कौन से होने देना, निगेटिव विचार होने देना कि पॉजिटिव विचार होने देना, वो आपके कंट्रोल में है। आप पॉजिटिव विचारों से चलिए, जो पॉजिटिव विचार है सकारात्मक विचार है वो लोगों को बोल के बताइए और अपनी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल आप पाएंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे जो हमारी जो वेबसाइट है उसको आप जाके वहां देख सकते हो, फेसबुक पे ये वीडियो है, यूट्यूब पे वीडियो है और बाकी इससे रिलेटेड वो भी आप देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।